हाय फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल को मैं हिंदी में बना रहा हूँ। इसका ड्राइंग आप पिछले वाला ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो ड्राइंग तो सेम ही है, इसलिए ड्राइंग मैंने नहीं दिखाया, खाली इसका 3D कैसे बनेगा हिंदी में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, ऊपर वाला लेयर में मैंने ये लाइन को अलग सा काट के रखा था, तो शिफ्ट प्रेस करके दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम टूल स्वीप में जाएंगे और इधर ये वाला क्रॉस सिलेक्शन देंगे और इस हाइट को इधर दे देंगे, फिर हाई सिलेक्ट करके कैलकुलेट कर देंगे, नीचे वाला लाइन को भी ठीक इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मिरर वाला ऑप्शन लेंगे और इस ऑप्शन को लेके लेफ्ट ओवर राइट कर देंगे एक बार और बॉटम ओवर टॉप कर देंगे एक बार, फिर इस तरह से ये वाला बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये वाला व्यू को इनेबल कीजिएगा और नीचे वाला वेक्टर सिलेक्ट करके राइट क्लिक सेप एडिटर इधर पॉइंट वाने में मार्ज हाई कर दीजिएगा। फिर नया लेयर लेंगे और इधर इसको मार्ज हाई कर देंगे, पहले ये वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरा, टूल स्वीप में जाएंगे, ये वाला क्रॉस सिलेक्शन लेंगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ये वाला सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करके दूसरा सिलेक्ट, ये क्रॉस सिलेक्शन को डिलीट कर देंगे और अंदर वाला ये जो क्रॉस सिलेक्शन है देख लीजिए, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इधर दो बार, फिर ऐड क्रॉस सिलेक्शन, फिर कैलकुलेट। इसके बाद ये वाला सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला सिलेक्ट कैलकुलेट। अभी हम क्या करेंगे, इसको मिरर कर देंगे लेफ्ट ओवर राइट एंड बॉटम ओवर लेफ्ट, ठीक है, तो ये मिरर हो गया। इसके बाद और एक नया लेयर लेंगे और इसी लेयर में जाके मार्ज हाई कर देंगे, इधर ये वाला सिलेक्ट, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये वाला, टूल स्वीप में जाएंगे और इधर अंदर एक क्रॉस सिलेक्शन मैंने ड्राइंग किया था, दिखाता हूँ, ये वाला ऐड क्रॉस कर देंगे और इधर जो हाइट है हाइट को सिलेक्ट करके ऐसे कर देंगे, फिर हाइस्ट कैलकुलेट। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, और ये अंदर वाला जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक सेप एडिटर, इसको जितना mm हाइट में हम बना रहे हैं उस हिसाब से करेंगे, तो इसको कितना mm बना रहे हैं इधर से आप देख पाएंगे, हाइट चेक कीजिए, देखिए ये 25 mm बना रहा हूँ, तो इधर ये वाला में सेप एडिटर में हम स्टार्ट हाइट देंगे 10 mm और इधर लिमिट हाइट देंगे 15 mm, फिर इसको मार्ज हाई कर देंगे, ठीक है, फिर इधर जाके सिलेक्टेड लेयर को हम 25 mm कर देंगे, ठीक है, फिर नया एक लेयर लेंगे, इधर भी मार्ज हाई, इधर ये जो तीनों सर्कल है इस तीनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करके सेप एडिटर में जाएंगे, इधर 10 mm और ये जगह पे लिमिट हाइट लेंगे 15 mm और एंगल देंगे 65, इसको भी मार्ज हाई कर देंगे। ये करने के बाद इसका हाइट एक बार देख लेंगे कितने mm का बना है, इसको 25 mm कर देंगे अभी, बस अभी
स्क्रैप्टिंग में जाके इसको मॉडिफाई करना है। तो स्क्रैप्टिंग में जाएंगे, ये वाला व्यू लेंगे, इसको एकदम फ्रंट बना के ठीक है। अभी क्या करना है, इसको मिरर करना है, तो लेफ्ट ओवर राइट और बॉटम ओवर टॉप कर देंगे। अभी हम विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली करेंगे और नीचे वाला जो व्यू है इस व्यू को लेके स्क्रैप्टिंग में जाएंगे, इसको स्ट्रेट करके इस जगह को लेंगे, बस अभी ये जगह को थोड़ा सा और स्क्रैप्टिंग करना होगा। तो इसको इस तरह से थोड़ा स्क्रैप्टिंग कर लेंगे ठीक है। ये करने के बाद इसको भी हम मिरर कर देंगे, लेफ्ट ओवर राइट और बॉटम ओवर टॉप, ये वाला हो गया। अभी क्या करना है, वो सर्कल को, ये दोनों जगह पे दो सर्कल है और एक नया लेयर, इसको भी मार्ज हाई करेंगे विंडोज में जाके टाइल वर्टिकली, ये वाला सिलेक्ट करके सेव एडिटर में जाएंगे, इधर 10 mm और इधर 15 mm देंगे, 65 डिग्री एंगल करेंगे ऐड। अभी हाइट चेक कर लेंगे एक बार, 25 mm ठीक है। फिर सारे के सारे लेयर को हम मार्ज हाई कर लेंगे, बाकी लेयर को बंद कर देंगे और एकदम ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करके हम स्क्रैप्टिंग में जाएंगे, ये वाला जगह को हम जूम करेंगे। फिर ये लोअर ओनली सिलेक्ट रख के ये जगह को ऐसे कर देंगे पहले, फिर रेज ओनली सिलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे, फिर नॉर्मल सिलेक्ट करके इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे। फिनिश। अभी क्या करना है, पूरा जूम करके पूरा व्यू लेंगे ओके, फिर इसको मिरर कर देंगे लेफ्ट ओवर राइट और बॉटम ओवर टॉप। ठीक है, अभी इसको कलर देंगे, तो मॉडल, मॉडल में जाके लाइट एंड मटेरियल सेटअप, ये जगह में जाके सॉफ्ट गोल्ड कर देंगे और ये जगह पे हम इस तरह से रेड कलर सिलेक्ट करके ये टेक्सचर ब्लैक अप्लाई डन। तो देखिए कलर बन गया ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इस रिलीफ को अगर सेव करना चाहते हैं तो किस तरह से सेव कर लेंगे, देखिए विंडोज में जाके सेव 3D व्यू इमेज, सपोज इमेज को हम सेव करना चाहते हैं, इधर ए ए ए नाम दे रहा हूँ ठीक है, और 3D को सेव करने के लिए रिलीफ, रिलीफ ऑप्शन में जाके सेव कॉम्पोजिट में जाना पड़ेगा और इधर जाके एक नाम दे देता हूँ 8KM9 रिलीफ, इसको नाम देता हूँ 3D2। और एक बात, मेरा बंगाली भाषण वाला जो वीडियो है उसके लिंक में मैं इस डिज़ाइन को अपलोड कर दिया हूँ, किसी को अगर ये डिज़ाइन चाहिए तो मेरा इस बंगाली वाला जो वीडियो है उस वीडियो के नीचे
शो मोर ऑप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। देख लीजिए ये जो शो मोर है, इसमें ये डाउनलोड दे दिया हूँ। इधर क्लिक करके आप इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।